दोस्तों, जैसे सब्जी में नमक ना हो तो सब्जी बेकार लगती है, या वैसे ही कॉमेडी मूवी में कॉमेडी ना हो तो बकवास लगती है। पूरी मूवी का ट्रेलर रिलीज हो गया यार, लेकिन यार उसमें एक कॉमेडी पंच नहीं था, और था भी था तो सिर्फ एक नॉट नोटिसेबल यार। क्या क्यों कर रहा है उसकी बात जिसकी कोई बात नहीं करना चाहता। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी मूवी जिसकी बात दुनिया कर रही है, और उस बंदे की बात जिसकी फोटोज भी वायरल हो गई यार। समझ रहे हो ना गाइस, समझ रहे हो ना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो उस बंदे की मूवी अभी डुअल रोल के साथ रिलीज हुई है, सर्कस। कस में के है गाइस, भूलना मत। सर्कस मूवी का रिव्यू लेकर आया हूँ जो कि ट्रेलर कर रही है यार। मेरे को बिलीव नहीं हुआ कि यार ये मूवी ट्रेंड में कैसे चल रही है यार, बिलीव नहीं। आज हम उसी की बात करेंगे। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, सबसे पहले सब्सक्राइब करो, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, तो रोहित शेट्टी और रणबीर सिंह की ये मूवी जिसको यूट्यूब ने ट्रेंड में डाल रखा है गाइस, इसका मूवी 3 मिनट और 38 सेकंड का रिलीज है। मतलब यार, हाल ही फिलहाल जितने भी ट्रेलर देखे हैं उसमें 2 मिनट 1 मिनट 2 मिनट 1 मिनट अच्छा लगता है, क्योंकि इंसान थोड़ा सा फील करता है कि यार चल हिडन चीजें हैं बहुत सारी। लेकिन इस मूवी के अंदर एक थाली में भाई साहब पूरा थाल पिरोस के रखा हुआ है, सारी सब्जियां एक ही में, यानी कि मूवी के अंदर इतने सारे एक्टर भर रखे हैं। बाकी मूवी का ट्रेलर की शुरुआत ही सर्कस से होती है यार। मैंने बचपन में सर्कस देखी थी, वो भी हेरा फेरी मूवी देखने के बाद, कि यार बंदे जंप मार रहे, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। इस एक्साइटमेंट में मैं पहली बार सर्कस देख के आया था। लेकिन सर्कस जब मैंने क्रिश में देखी तो भाई साहब मेरे को खुद नहीं बिलीव हुआ, सर्कस ऐसी भी होती है क्या? एक्चुअलिटी में नहीं होती गाइस, एक्चुअलिटी में तो सिर्फ छोड़ दो यार, एक्चुअलिटी की बात नहीं करते हम, बॉलीवुड की बात करते हैं क्योंकि इसमें रंग भरे पड़े हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं अब मूवी में लीडिंग एक्ट्रेस की। किस किस की बात करूं, लीडिंग इतने सारे एक्ट्रेस है गाइस। मेन एक्ट्रेस आपको बताता हूं, सबसे पहले रणबीर सिंह जो कि डुअल रोल के साथ है इसमें दिखेंगे। सेकंड पूजा हेगड़े, देखते हैं इसकी गर्लफ्रेंड के लुक में ही दिख रही है अभी तक तो। उसके बाद जैकलिन फर्नांडिस जो सेकंड बंदे की गर्लफ्रेंड निकलेगी, ठीक है। और उसके बाद अपना वरुण शर्मा, ये अपने चार जो कैरेक्टर्स हैं वो मेन लीडिंग कैरेक्टर्स में दिखेंगे, जिनका रोल ही मेन लीडिंग्स में होगा। ये पूरी की पूरी मूवी गोलमाल यूनिवर्स से कनेक्ट करती है, हर कोई ये कह रहा है, क्योंकि लास्ट जो सीन था उसमें गोलमाल 4 3 2 1 आपस में, लेकिन मेन जो कैरेक्टर्स है उसको लास्ट में दिखाया जाता है। मेरा अकेला वाला बेस्ट फेवरेट कैरेक्टर है उसमें। दोस्तों, रोहित शेट्टी के साथ बनाई गई रणबीर सिंह की दोनों पिक्चरें अभी तक जो बनी है लास्ट, दोनों की दोनों बहुत ही अच्छी गई है यार, चाहे वो सिम्बा लगा लो चाहे या फिर एक और की, लेकिन वो दोनों ही पिक्चरें कहने को तो बहुत सॉलिड थी। ये मूवी आने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुकी है, क्यों? क्योंकि भाई मूवी का ट्रेलर देखने के बाद एक बार हम ये सोच सकते हैं कि यार ये मूवी देखने जाए ना जाए, और हाँ कह सकते हैं कि यार रोहित शेट्टी की मूवी फैमिली मूवी होती है यार, फैमिली मूवी देखने के लिए हर कोई तो जाता नहीं है, लाइक तो भाई घर पर ही देखूंगा भाई, OTT पे वेट करूंगा देखने का और उसके बाद ही रिव्यू डालूंगा। और रह गई बात रिएक्शंस की, तो सबके रिएक्शंस ऐसे थे क्योंकि अपने को पसंद नहीं आया। जब मैंने कल देखा टीजर, आज दोबारा देखा, मैंने तीसरी बार भी देखा, लेकिन फीलिंग नहीं आई ना ऑडियो में, ना ही हंसने का तो पॉइंट ही नहीं है, हंसने का कोई लोचाइज नहीं। लेकिन यार एक तरफा हम ये कह सकते कि यार कॉमेडी यूनिवर्स है और गोलमाल को कनेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ऊपर से सामने कह भी दिया गोलमाल 1 2 3 4 से है, सो कहीं ना कहीं कॉमेडी अंदर होगी। और कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि भाई अब थोड़ा सा हो जाएगा कि भाई शायद ट्रेलर में रिव्यू नहीं दिखेगा तो पॉपुलेशन जो जनता है हमारी वो पसंद करेगी इसको, बताएगी क्या होगा आगे मूवी के अंदर, लेकिन कई बार निकलता ऐसा ही है। लेकिन दृश्यम 2 देखने के बाद मेरे को तो नहीं लगता भाई, दृश्यम 2 का जो लोगों के लिए एक्सपेक्टेशन थी या मेरे लिए एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से लास्ट 1.75 करोड़ अभी तक निकाल चुकी है यार। क्या उतना निकाल पाएगी? क्या रोहित शेट्टी इतना कमा पाएगा? क्या हो पाएगा? लेकिन अभी तक देखते हैं कि कितना कुछ होता है। अभी मूवी का ट्रेलर तो किसी को पसंद नहीं जा रहा है, क्या होता है। रणबीर सिंह से ये बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वह ऐसा करेगा। दोस्तों, मूवी के ट्रेलर में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी नोटिस करने वाली थी जिसमें इंसान को ये लग रहा है कि यार क्यों ये ट्रेलर देख रहे हैं यार। मूवी का ट्रेलर 1 मिनट 30 सेकंड के बाद जाते ही मैंने ट्रेलर पहले व्यू में बंद कर दिया था, क्योंकि यार काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जिनको नकली, मतलब एक VFXing के हिसाब से शो करा गया है। आप नोटिस भी कर सकते हो कि क्या नाम, वो ट्रेन वाला शॉट और वो आपका जो स्टेशन वाला शॉट है, वो फिर सर्कस वाला शॉट है, बंदे इधर से उड़ के आ रहे हैं भाई साहब, लाशें उड़ रही है, कोई मतलब नहीं है, बेफजूल की चीज़ें हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा ये ऐसा क्यों है,
लेकिन वो सब चीजें ओवर हो जाती है जो मूवी को काफी ज्यादा बकवास बनाती है। क्या ये बकवास है? ये तो आप बताओगे कि कैसा लगा आपको। बहुत जैसे कि ये मूवी रिलेट करती है सन 1900 का कॉन्सेप्ट पे, तो 1900 के कॉन्सेप्ट के हिसाब से काफी ज्यादा कलर HD का 1900 हाई डेफिनेशन 1900 जिसमें क्लियरिटी से दिखा रखा है कि इनके पास फोन नहीं होते हैं और भाई साहब फैशन कपड़े डाल रहे हैं आजकल के, जो समझ नहीं आ रहा है ये मतलब इतना पुराना कॉन्सेप्ट के हिसाब से पुरानी थीम रखनी चाहिए थी, थोड़ा सा ब्राइट कलर रखने की जगह लो कलर रखना चाहिए था और उस थीमेटिक का कलर टोन होना चाहिए था जो नहीं था, और उस हिसाब से जिस हिसाब से इन्होंने बंदे ले रखे हैं भगवान करे उनको उस हिसाब का डायलॉग उस हिसाब का रोल और उस हिसाब, क्योंकि इनका एक्चुअलिटी आप पुराना पीरियड उठा के देखोगे ना तो बहुत ही अच्छा है भाई। कुछ मूवीज इन्हीं के दम पे उठी है और हाल ही फिलहाल अभी नहीं कह रहा, अभी तो लोगों के अंदर मूवी का ट्रेंड बहुत ज़्यादा उठ चुका है, लेकिन पहले लोग बहुत रेयर मूवीज देखते थे और सिनेमा में जाना तो बहुत रेयर, आप बहुत ईजिली जाते हैं और जिस हिसाब से लोग डिजर्व करते हैं उस हिसाब का कॉन्सेप्ट भी इनको चाहिए, नहीं तो ये बॉयकॉट करने में देर नहीं लगाएंगे। और बॉयकॉट होना 1 मिनट का काम है, ट्रेलर से भी हो जाता है, टीजर से भी हो जाता है और मूवी से तो खासकर हो जाता है, 2 मिनट से पहले ऋतिक रोशन जैसे स्टार भी पानी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है और मज़ेदार मूवी नहीं है तो यू आर नथिंग। और देखते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अभी तक के लिए इतना।